दोस्तों Vivo ने यहाँ पे Y सीरीज में एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, Vivo Y75 4G। एंड आपको बता दो ये स्मार्टफोन दोस्तों ना लुक एंड परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा ऑसम है। इसका दोस्तों एक 5G वेरिएंट भी है, Vivo Y75 5G, लेकिन उसके मुकाबले ये काफी ज्यादा ऑसम है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस यानी कि कैमरा हो गया, प्रोसेसर हो गया, उसके साथ साथ लुक, सभी चीजें दोस्तों उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। तो आइए गाइस इस वीडियो में हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड आपको टोटली दिखाता हूं ये फोन कैसा है। सो गाइस ये रहा Vivo Y75 4G का बॉक्स, फटाफट गाइस हम करते हैं इसे अनबॉक्स। एंड यहां पे दोस्तों एक छोटा सा सेक्शन दिया गया है जिसके अंदर कुछ यूजर मैनुअल, साथ में दोस्तों एक ट्रांसपेरेंट केस है, तो इसे ऐसे ही कर देते हैं साइड में। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। ओके, इसे बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे यहाँ पे रख देता हूँ। एंड अगर बॉक्स के अंदर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दोस्तों एक 44 वॉट का एडेप्टर देखने को मिल जाता है, साथ में दोस्तों यहाँ पे एक टाइप सी USB केबल दिया गया है। एंड यहाँ पे एक ईयरफोन भी दिया गया है जो कि काफी अच्छा है गेमिंग के लिए। एंड यहाँ पे एक हेडफोन कनेक्टर, साथ में एक सिम इजेक्टर टूल, तो ये सब दोस्तों हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा हमारा स्मार्टफोन। अब फटाफट गाइस मैं इसे निकाल लेता हूँ बाहर एंड बैक साइड में आपको दिखाऊं तो आप खुद इसके दीवाने हो जाओगे। देख रहे हो कितना ऑसम लुक है। यहाँ पे दोस्तों आपको बोल सकते हो ना पूरा का पूरा मिरर फिट कर दिया गया है, इसमें आप अपना फेस देख सकते हो। काफी प्रीमियम एंड स्टाइलिश डिजाइन एंड लुक के साथ ये स्मार्टफोन आता है। एंड यहाँ पे दोस्तों 7.36 mm अल्ट्रा स्लिम आपको डिजाइन देखने को मिल जाती है। इसका जो ओवरऑल वेट है ना वो सिर्फ 172 ग्राम है, तो एकदम लाइट वेट आपको ये फील होने वाला है, ज्यादा वेट भी नहीं है। तो यहाँ पे काफी अच्छी आपको ग्रिप भी देखने को मिल जाती है, प्रीमियम डिजाइन भी दिया गया है, तो लुक एंड डिजाइन में डेफिनेटली दोस्तों आपको ये फोन बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों फटाफट हम कर लेते हैं फोन को बूट एंड आपको दिखाता हूं इसके कुछ फिजिकल ओवरव्यू। तो यहां पे दोस्तों हमें नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन एंड यहां पे सिम ट्रे दिया गया है। इस साइड पूरा का पूरा प्लेन है, ऊपर की तरफ दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया गया है एंड इस साइड दोस्तों पावर बटन, साथ में दोस्तों वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन दिया गया है। बैक साइड में नीचे की तरफ Vivo की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप दिया गया है। फ्रंट साइड में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एक सेल्फी कैमरा दिया गया है। एंड यहाँ पे आप डिस्प्ले का जो टच रिस्पॉन्स है वो आप सामने देख लो कितना स्मूथ है ना गाइस, काफी स्मूथ यहाँ पे हमें डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की जो ओवरऑल साइज है वो है 6.44 इंचेस की फुल HD+ एमोल्ड स्क्रीन, तो ये काफी अच्छी बात हो जाती है कि यहाँ पे हमें एमोल्ड स्क्रीन देखने को मिलता है। यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है, साथ में दोस्तों 20:9 एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है, 90.37% स्किन टू बॉडी रेशियो है, तो ओवरऑल दोस्तों आपको डिस्प्ले में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलेगी। बोल सकते हो ना डिस्प्ले यहाँ पे एकदम परफेक्ट दिया गया है जिसमें आप कंटेंट वॉचिंग कर सकते हो एकदम परफेक्ट एंड साथ ही साथ गेमिंग कर सकते हो, किसी भी चीज में आपको यहाँ पे शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। एंड वहीं दोस्तों बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसके अंदर दोस्तों लगा है MediaTek का Helio G96 प्रोसेसर जो कि गेमिंग प्रोसेसर है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। यहां पे 8GB का रैम दिया गया है, 4GB का वर्चुअल रैम भी है। स्टोरेज की बात करें तो 128GB का स्टोरेज है, एंड्रॉइड वर्जन 11, फन टच ओएस वर्जन 12 दिया गया है, तो ये पूरा का पूरा इसके स्पेक्स हो गए। अब दोस्तों मैं रियल में टेस्ट करके देखते हैं कि BGMI कैसा चलता है इसके अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मैंने गेम ऑन कर लिया है एंड यहाँ पे हम आ चुके हैं मैच के अंदर। यहाँ पे दोस्तों हमें 3 अलग अलग मोड दिए गए, परफॉर्मेंस मोड है, बैलेंस मोड है, बैटरी सेवर मोड है, साथ में यहाँ पे हमें कुछ टूल्स मिल जाते हैं जैसे कि वॉइस चेंजर, 4D गेम वाइब्रेशन और भी काफी सारी चीजें यहाँ पे हमें दिया गया है। तो यहां पे दोस्तों हम देख लेते हैं गेम की जो ग्राफिक्स है, देख रहे हो गाइस कितना क्लियर हमें ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। इस ग्राफिक्स में आप खेलोगे ना तो एकदम स्मूथ आपको गेम का एक्सपीरियंस मिलेगा एंड गेमिंग में आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अंदर दोस्तों एक गेमिंग प्रोसेसर है Helio G96, तो आपको यहाँ पे गेमिंग में कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलने वाला। एंड वहीं दोस्तों बात करें इसकी कैमरा की, तो बैक साइड में हमें ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है जहां पे दोस्तों प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो है एंड फ्रंट साइड में दोस्तों 44 मेगापिक्सल का आई ऑटो फोकस के साथ सेल्फी कैमरा है। तो यहां पे भाई सेल्फी कैसी आएगी आप सोच ही सकते हो, 44 मेगापिक्सल कैमरा अगर ऑन करें तो यहां पे दोस्तों अलग अलग मोड देखने को मिल जाते हैं, नाइट मोड है, पोर्ट्रेट है, फोटो, वीडियो। वीडियो में दोस्तों यहां पे देखते हैं कि आखिर कितने FPS में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 24 FPS, 30 FPS एंड 60 FPS।
तो यहाँ पे हमें 3 FPS देखने को मिल जाते हैं। मोर में जाएंगे तो यहाँ पे हमें अलग अलग मोड्स भी दिए गए हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ जो कि मैंने इसी के फ्रंट एंड रियर कैमरे से क्लिक किए हैं। मुझे जो फ्रंट के कैमरे से फोटोज क्लिक की गई है ना, वो काफी ज्यादा लाजवाब लग रही है। इतनी अच्छी सेल्फी सच बताऊं मेरे आईफोन में नहीं आती जितनी इसमें आई है। तो यहाँ पे दोस्तों सेल्फी फोटोज काफी अच्छी आ रही है, बैक साइड से भी जो फोटोज आ रही है वो भी काफी लाजवाब है। तो यहाँ पे दोस्तों आप कैमरा में थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हो, क्योंकि यार जब कैमरा मुझे पर्सनली इसका अच्छा लगा तो डेफिनेटली आपको इसका कैमरा पसंद आएगा। तो कैमरा के मामले में डेफिनेटली दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा आगे है सभी स्मार्टफोन से, उसके लिए बस एक लाइक तो बनता है। एंड इसके बैटरी की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर 4050 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ में 44 W का फ्लैश चार्ज दिया गया है जो कि इस स्मार्टफोन को 1% से 60% सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में कर देता है। सोचिए गाइस 30 मिनट में 1% से 60% तक आपका फोन चार्ज हो जाएगा, काफी फास्ट ही आपके फोन को चार्ज करेगा। तो इसका दोस्तों आपने गेमिंग भी देख लिया, कैमरा भी देख लिया, उसके साथ साथ जो भी चीजें थी सारी मैंने आपको दिखा दी। अब मैं आपको इसका साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ। सो गाइस साउंड क्वालिटी आपने सुन लिया, काफी ज्यादा लाउड यहाँ पे हमें साउंड देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन के अंदर। यानी कि बिना ईयरफोन के मूवी देखो या फिर गेमिंग करो थोड़ा सा भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, काफी ज्यादा तेज है। एंड सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि काफी फास्ट काम करता है, वो आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो। सिर्फ आपको टच करने की देर है फोन अनलॉक हो जाता है। अब दोस्तों सारी स्पेक्स एंड सारी चीजें तो मैंने आपको इसकी बता दी। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइस है 221,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों 21,000 में ये आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा। पर्सनली मैं बोलूं अगर आप कैमरा के लिए फोन लेना चाहते हो ना तो डेफिनेटली ये फोन आपके लिए बेस्ट है। 21,000 रुपए में दोस्तों कोई और ब्रांड आपको इतनी अच्छी कैमरा एंड फीचर्स नहीं देगी जो आपको Vivo Y75 4G में मिल रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। यह स्मार्टफोन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।